हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मधुरित ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी सुबह सुबह हम आ गए हैं अच्छी ठंडी हवा खाने यहाँ पे। इस वक्त 8 बज रहे हैं सुबह के और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फेवरेट गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय का। तो रीत लेकर के आने ही वाली है और ये आ गई है रीतिका हमारी गर्म गर्म कुल्हड़ चाय लेके। आओ, तो ये स्पेशली जो है मेड इन जापान है। आई एम सॉरी, मेड इन जापान नहीं है, ये हम मेड इन इंडिया ही लेकर के आए हैं। जहाँ पे भी हमें कुल्हड़ वाली शॉप मिल जाती है तो वहाँ से हम कुल्हड़ वाली चाय पी करके कुल्हड़ रख लेते हैं और उसको धो के यूटिलाइज कर लेते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय से। चाय आज का प्लान तो वैसा कुछ खास है नहीं, पर देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। हाँ, तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट आने पूरी हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट आज आने वाले हैं और पूरी तैयारियां इसकी हो चुकी हैं। तो चलिए थोड़ी देर से हम आपको उन गेस्ट से भी मिलवाएंगे और उसके बाद फिर अपने आगे की जो डेली एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स हैव द टी। तो गाइस नज़ारा देखो पीछे का, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हम किसी समुद्र में रह रहे हैं और आजू बाजू पूरा पानी भरा है। अरे ये खेत हैं, बारिश के समय यहाँ अच्छा पानी भर जाता है। मुझे तो मिनी नदी टाइप की लग रही है। हाँ, काइंड ऑफ नदी कह सकते हैं। ये देखो साइड से पूरा एरिया कवर है और कुछ भी कहो व्यू बहुत ऑसम है। सब कुछ कवर है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। इतने समय में यहाँ से ट्रेन भी जाती है वैसे, पर आज दिख नहीं रही है। तो गाइस वॉक हो गई है, काफी देर हम लोगों ने वॉक कर ली है और अब वापस इच्छा हो रही है चाय पीने की। तो चलें चाय पीने की वापस। तुम बनाओगे? मैं अच्छी नहीं बनाता। फिर भी कोशिश तो करो ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चाय बनाना मतलब सीखना चाहिए ना इनको भी चाय बनाना। कितना बीवी बना बना के पिलाएगी, कभी बीवी को भी चाय बना के पिलाता। चलो ठीक है, चाय बना के पिलाता हूँ। आइए वापस से मैं आपको भी चाय बना कर पिलाता हूँ और फिर अपनी आगे की एक्टिविटी चालू रखते हैं। ठीक है, खुश। थैंक यू, वेलकम। तो गुड इवनिंग गाइस, आज जो हमारे गेस्ट आए आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। हम हर साल इन्हें बुलाते हैं क्योंकि सावन के महीने में इनका घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम हर साल इन्हें पर्सनल इन्विटेशन देते हैं कि आप हमारे घर आइए। तो ये हर साल हमारे घर आते हैं और हम इनका आदर सत्कार करते हैं और आप सभी को इनका आदर सत्कार करना चाहिए और अपने घर बुलवाना चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि फ़िलहाल जो है मेरा पेट बहुत ख़राब हो चुका है। कम से कम आप ये मान के चलो 6-7 चक्कर मेरे वॉशरूम रूम बस यही चल रहा है। तो एनर्जी थोड़ी कम बची है आज के लिए, ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब एक रेड बटन है उसको दबा दो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। एज ऑलवेज पिट इन डायलॉग, सुबह या शाम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय।